हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टू कलर का एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही सरल है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें टू के मल्टीपल फंदे प्लस वन फंदा चाहिए। इस सिलाई में मैंने 37 फंदे डाले हैं और दो सिंपल सिलाइयां, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई बना ली है। आइए अब हम पैटर्न की शुरुआत करते हैं। पैटर्न की शुरुआत करने के लिए इस सेकंड कलर से हम एक फंदा सीधा बना लेंगे। ये एक फंदा सीधा बना लिया, ऊन को आगे कर लेंगे। ऊन आगे कर एक फंदा उतार लेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाएंगे और अगला फंदा सीधा बना लेंगे। फिर ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उतार लेंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उतार लेंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे, एक फंदा बना लेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे, फंदा उतारेंगे। ये देखें, इस तरह से ये पूरी सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। एक फंदा बनाना है, एक फंदा उतारना है, पर ऊन को फंदा उतारते समय ये आगे रखना है ऊन को। ये देखें फ्रेंड्स, सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई की तरफ आते हैं। अब हमने उल्टी सिलाई बनानी है। पहला फंदा हमने उतार लिया, अगला फंदा हमने उल्टा बना लिया। अब हम ऊन को पीछे ले गए, जो हमने पिछली सिलाई में फंदा बनाया हुआ है उसे हम उतार लेंगे। ऊन आगे लाएंगे, जो हमने फंदा उतारा था उसे हम बना लेंगे। ऊन पीछे, पहले सिलाई का बनाया हुआ फंदा उतार लेंगे। ऊन आगे लाएंगे, जो हमने उतारा था फंदा पिछली सिलाई में उसे बनाएंगे। ऊन पीछे ले जाएंगे, जो पिछली सिलाई में हमने फंदा बनाया था, ये देखें पहले का उतारा हुआ फंदा आप बनाएंगे। ऊन पीछे ले जाकर जो पहले बनाया था उसे उतारेंगे। ये इसी तरह से हमने उल्टी सिलाई को पूरी को कंप्लीट कर लेना है। फंदे उल्टे ही बनेंगे, पर जो फंदा पिछली सिलाई में हमने उतारा था उसे अब हम बनाएंगे और जो हमने बनाया था उसे अब हम उतारेंगे। अब ये फिर से हमारी सीधी सिलाई आ गई है। पहला फंदा हम नेक्स्ट ऊन अपनी लगा करके बना लेंगे, जो हमारी बेस कलर की ऊन थी। एक ऊन से हमने दो सिलाइयाँ ही बनानी है, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई। अब अगली सीधी सिलाई है तो हम अपनी अगली ऊन लगाएंगे। अब आगे ऊन फंदा उतार लिया, पीछे ऊन फंदा बना लिया, आगे ऊन फंदा उतार लिया, पीछे ऊन फंदा बना लिया। ये देखें, अब जो फंदा हम बना रहे हैं वो पिछली सिलाई पर हमने उतारा था। ये देखें, ये हमारा बनाया हुआ फंदा है, ये देखें, तो इसे अब हम उतारेंगे। ऊन को पीछे ले जाएंगे, ये देखें ये हमारा उतारा हुआ फंदा है, इसके आगे ये लूप आ रही है, तो इसे अब हम बनाएंगे। ये फंदा उतारेंगे, पहले बनाया हुआ उतारा हुआ बनाएंगे। ये इसी तरह से हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी उल्टी सिलाई है, एक फंदा उतारा और अगले फंदे को हमने बना लिया। अब ऊन पीछे ले जाएंगे, ये फंदा उतारेंगे जो हमने पिछली सिलाई पे बनाया था। ऊन आगे लाएंगे, ये उतारा हुआ फंदा अब बनाएंगे। ऊन पीछे, ये फंदा हमारा बनाया हुआ है, इसे उतार लेंगे। ऊन आगे, उतारे हुए फंदे को बना लेंगे। फ्रेंड्स, अब तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक सिलाई पे हम एक फंदा उतारते हैं और एक फंदा हम बनाते हैं। अगली सिलाई पर हम उतारे हुए फंदे को बना लेते हैं और बनाए हुए फंदे को हम उतार लेते हैं। इतना सही ये पैटर्न है और इस पैटर्न को आगे आगे हमें ऐसे ही रिपीट करते जाना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये पैटर्न थोड़ा और आगे बना करके फिर बताऊंगी कि ये किस तरह से नजर आएगा। ये देखें, अभी ये कुछ कुछ नजर आने लगा है और आगे मैं आपको बना करके दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा। देखें फ्रेंड, जब हम इस पैटर्न को आगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो पैटर्न की लुक इस तरह से आएगी। ये देखें, पैटर्न बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर है। इस पैटर्न को अगर आप मोटी ऊन से और मोटी सिलाइयों से बनाएंगे तो ये और भी उभर कर आएगा।
अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अब आप मुझे फेसबुक और पिंट्रस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं।